अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। इसी दुआ के साथ आज की ये पहली वीडियो का आगाज़ करते हैं। गाइज़, मैंने पहले भी चैनल बनाया था एक, और काफ़ी मेहनत की थी उस पर। मेरे वो चैनल को यूट्यूब ने रिमूव कर दिया है, पता नहीं क्यों किस लिए। लेकिन इस बार जो मैं ये चैनल बना रहा हूँ, इस चैनल पर मैं आपको बहुत ही प्यारी और खूबसूरत वीडियो दिखाऊँगा विलेज के मतलब, देहात के मतलब, जो देहात में रस्म और रवाज होते हैं, जो इनका रहन सहन, चाल चलन, खान पीन, इनका जो भी कुछ होता है, मैं आपको सारा इंशाल्लाह इस चैनल पे दिखाता रहूँगा। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत ही कमाल की वीडियो देखने को मिलेंगी। और आज हम आए हैं एक गांव में जिसका जो नाम है वो है पहंडी नाजर। इसमें हमने बारात की वीडियो शूट करनी है और आपको दिखाऊँगा कि बारात इनकी क्या कैसे होती है, दूल्हा किस तरह बन संवर के आता है, किस तरह उनकी रस्में होती हैं, उनको कैसे माला हार वगैरह डाला जाता है उसके गले में, और इसके अलावा जो उसकी बारात कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी। और हमारे पास ड्रोन भी है, उसका भी शूट आपको दिखाएंगे। बड़ा ही माहौल देखने को मिलेगा। आप ज़रूर हमारे चैनल को देखते रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये है वो गाँव जिसमें हम आए हुए हैं। और ये गांव के साथ खेत हैं, बड़ी कमाल की हरियाली होती है गांव में। और ये धान की फसल है, अभी धान पका तो नहीं है, लेकिन ये इसमें मालूम नहीं हो रहा कि दो तरह के लगे हुए हैं, एक काफ़ी बड़ी लैन है और एक लैन जो है छोटी है। वो पता नहीं क्यों इसमें दो किस्म के धान हैं या फिर ये ख़राब हो गए हैं। ये सामने मक्की की फसल है और ये भी बड़ी कमाल की फसल है। इसके साथ जो लगते हैं सिट्टे वगैरह, उसके दानों से आटा भी बनता है, रोटी बनाई जाती है। और वैसे भी देहातों में मक्की की रोटी हो और सरसों का साग बड़ा मज़ेदार होता है। आप भी कभी खाएं, आपको बहुत अच्छा और बड़ा मज़ा आएगा। अब हम जा रहे हैं बारात वाले घर में, क्योंकि बारात का उन्होंने कहा था कि सुबह 9 बजे चली जानी है और बुरेवाला जानी है। पाकपतन से तकरीबन ये 50 किलोमीटर दूर है आगे, और जल्दी बारात निकलेगी तो उन्होंने हमें जल्दी बुलवा लिया था। अब हम बारात वाले घर जाएंगे। अभी ढोल बजना शुरू हो गया, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, काफ़ी दूर है। और अब पहले घड़ोली होगी इनकी, और उसके अगला जो सेटअप होगा वो सेहराबंदी होगी, फिर दूल्हे को गाड़ी में बिठाएंगे, फिर रवाना हो जाएंगे बारात में और दुल्हन लेने के लिए। मैं आपको जो भी रसूमात होंगी वो ज़रूर दिखाऊँगा। ये देहातियों के जानवर हैं, देखिए ये बाहरी बांधे हुए हैं, यहाँ पर ऐसे ही माहौल होता है। और ये इनके घास हैं, रेड़ी पे घास जो काट के ले आते हैं। और ये पहंडी नाजर गांव का माहौल है। वो सामने दूल्हे की गाड़ी सजी हुई है, ये खड़ी, इस पे दूल्हा जाएगा अपने दुल्हन के लेने। ये है शादी वाला घर, सामने वाला। रात को लाइटिंग थी, मैं उसका भी आपको टच दिखाऊंगा कि इन्होंने लाइटिंग किस तरह की हुई थी, देहात में घरों को कैसे सजाते हैं लाइटिंग से। दूल्हे की कार जिसमें दूल्हे की हसरतें पूरी होंगी, इसमें बैठ के जाएगा, मज़े से अपनी दुल्हन ले आएगा। मैं क्या डिग्गू है, रोक नहीं हाथ पीछेगा। सेहराबंदी जी हो गई थी और बाकी भी बारात को गाड़ी में बिठा दिया। अभी बारात दूल्हे की जो गाड़ी है निकल गई है, हम भी गाड़ी में बैठ गए हैं। अब हम रास्ते का शूट करेंगे और उसके बाद हम जो एंट्री करेंगे आपको सारा दिखाते रहेंगे। प्रयाल भाई, बारात की थी आनी भला? कितना को सफ़र है था? सत्तर किलोमीटर
अच्छा 100 किलोमीटर हाँ इतना होगा नहीं बोलो 10 किलोमीटर माने मोड़ से निकल जाना अच्छा विश्वास कर जाना आपका माने मोड़ से आप शहर में हम इंटर हो चुके हैं और बस जो बारात है वो रवान दवा है सफर की जानब तकरीबन 100 किलोमीटर है जो हमने सफर तय करना है काफी लेट हो गई थी इसलिए थोड़ा भगाए जा रहे हैं बस गाड़ी को गगो मंडी के बिल्कुल नज़दीक आकर रुक गए हैं वो सामने दिल्ले की कार खड़ी है और इंतज़ार कर रहे हैं किसी का पीछे शायद एक बस आ रही है उसमें भी बरातियां हैं बराती हैं सारे वो भी अभी आ रहे हैं तो उनका इंतज़ार हो रहा है और ये फिर गगो मंडी का माहौल है ये हमारी गाड़ी है जिसमें हम आए थे काफ़ी अच्छी है ओल्ड मॉडल है लेकिन हमें ले के आई है हमारे लिए तो भैया बड़ी अच्छी है ये वो बस जा रही है जिसका इंतज़ार कर रहे थे बस आगे निकल गई है गाड़ियां पीछे रह गई हैं अब तकरीबन हम नज़दीक लग चुके हैं जिस जगह हमने बरात लेके जानी है अब वाला जो छोटी मशीन चलती पे दुत्ते लदीदी होगी ना ऐसे दुत्ते ऐसे मशीन भी बड़ी कमाल है यार इन्ने कुदाने इकट्ठे हो जाते उनके बड़ोले चे 30 मन शहजादी मशीन है यार शरीयते तहत रूबरू इस मजलिस से उन्होंने निकाह थोड़े नाल किया जाता है कबूल अन निकाह सुन्नति फमन रागिबा अन सुन्नति फलैसा मिन्नी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मुबारक निकाह हो गया अब खाना खाया जा रहा है ये दूल्हे भाई खाना खा रहे हैं और जो बारात आई थी दो बरातें थी तो फिर बंदे ज़्यादा हैं ये खाना खा रहे हैं हम भी खाना खाएंगे आप भी हमारे साथ खाना खाएं ये मेरे कैमरा मैन बल्कि ये कैमरा मैन है मेरे नहीं है और ये माहौल है जी जहाँ बारात ठहरी हुई है खाना हमने खा लिया है और दूल्हे भाई ने भी खाना खा लिया है अब सारी बारात इंतज़ार कर रही है कि कब रुखसती होगी दुल्हन की कब दुल्हन मिलेगी और हम भी वेट कर रहे हैं कि कब हमें इजाज़त मिले और हम भी जाएं हमारी कार बैर खड़ी है जिसमें हम आए थे स्पेशल उन्होंने हमारे लिए करवाई थी ऐसे बड़ा मज़ा आया था हमें तो क्योंकि मैं सारी वीडियो इसलिए नहीं बना पाया मेरा मोबाइल ड्रोन के साथ अटैच था तो मोबाइल मेरे पास था नहीं लेकिन जो ड्रोन से मैंने शूट लिए थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं तो दोस्तों आज की वीडियो इसी जगह पे ख़त्म करते हैं क्योंकि इसके बाद रुखसती होगी फिर वो वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि उसमें लेडीज़ का साथ होता है तो उसकी वीडियो बना के मैं शायद नहीं कर सकता और फिर रुखसती के बाद जब बारात पहुँचेगी घर में एंट्री होगी और दुल्हे को जो दुल्हन को सलामियाँ वगैरह देंगे और उसके बाद छुट्टी दूल्हा अपने कमरे में चला जाएगा हम अपने घर में आ जाएंगे
आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरह की कमाल की और भी इससे बेहतर वीडियो बना के आपको दिखाता रहूँगा और बड़ा मज़ा आएगा। तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।